नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फेस्ट 21। मैं हूं आपके साथ दलिता चक्रधारी। बस्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर विगत कई महीनों से केशकाल घाट में सड़क की हालात खस्ता हो चुकी थी और धूल के गुब्बारों के चलते फूलों की घाटी कहे जाने वाली केशकाल की घाटी धूल की घाटी के नाम से जाने जाने लगी है। प्रशासन के आदेश अनुसार 18 नवंबर से 30 नवंबर तक केशकाल घाट में मरम्मत कार्य किया जाना है, जिसमें बड़ी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंधित की गई है। उसके बावजूद भी केशकाल घाट में पहले दिन मरम्मत कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। न्यूज़ प्लस 21 की चैनल की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पाया गया कि घाट में कुछ कर्मचारी अधिकारी के द्वारा दिखावे मात्र के लिए सड़क को नापने का कार्य किया गया है। वहीं स्थानीय गैंग कुली गड्ढों को पाटते नजर आए। आपको बता दें कि व्यापार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर से बस्तर के साथ साथ उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग में चलने वाले बड़े बड़े मालवाहक वाहनों को हजारों की संख्या में वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया ताकि घाट का मरम्मत कार्य शुरू हो सके, लेकिन प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही के चलते पहले दिन घाट में मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा मालवाहक वाहनों को लंबी दूरी तय कर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नेशनल हाईवे के कार्यपालन अभियंता आर के गुरु और केशकाल SDM शंकर लाल सिन्हा ने कहा कि पहले दिन मशीन में तकनीकी खराबी के चलते कार्य शुरू नहीं हो पाया, मशीन दुरुस्त कर काम शुरू किया गया। किस प्रकार को और कितने लागत का क्या है ये जो आप पेज रिपेयरिंग है, ये मोड़ों को मेन उद्देश्य है कि मोड़ जितने खराब हुए हैं उनको ठीक करने का है, और ये कॉन्ट्रैक्टर के रिस्क एंड कास्ट के आधार पर निविदा बुला के करवाया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 50 लाख है। सर, ये कब से कब तक चलेगा और कितने? ये 18 से लेके 30 नवंबर तक हम जिला प्रशासन से जो हैवी व्हीकल्स को डाइवर्ट करने के लिए निवेदन किए थे, और 18 से 30 तक संभवतः काम पूरा हो जाएगा। सर, आज शासन प्रशासन की ओर से एक जारी किया गया है नोटिस, जिसमें 18 तारीख का जिक्र किया गया है कि निर्माण कार्य केशकाल घाट में प्रारंभ होना है, और वर्तमान में अभी कुछ गैंग कुलियों के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? एक बार फिर बताएंगे, मैं समझ अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ केशकाल घाट, कुछ लोगों को ही कार्य में रखा गया। पहले दिन कितना कार्य हुआ सर, ये बताएं? नहीं, पहला दिन जो है अभी जो मशीनरी थी उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था, मैं इसलिए बैठा हूँ आज काम चालू करवाने के लिए। सर, अभी थोड़ी देर में ही काम चालू होगा। दोपहर 3 लगभग बज चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं। अभी जो पेवर में जो अचानक खराबी आ गई थी ना, इसकी वजह से अभी 1 घंटे में वो बन जाएगा तो हम चालू करवाएंगे। मैं बैठा हूँ। केशकाल घाट की बात करें, वर्तमान में कुछ लोग, चंद लोग ही, 8 से 10 लोग कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, केशकाल में अभी क्या स्थिति? केशकाल घाट में सुबह कल रात तक जाम का पोजीशन था, तो जाम सुबह क्लियर हुआ है, इसलिए जो रोड टाउन का जो 2 पेज बचा हुआ था इसको काम करके हम कल से केशकाल घाट में उतरेंगे। सर, ठेकेदार कोई कर्मचारी नज़र नहीं आए? ठेकेदार के कर्मचारी वो टाउन पोर्शन में ना, अभी जो पेवर की जो मैं बता रहा था आपको कि जो खराबी आ गई थी, इस वजह से काम में थोड़ा डिले हुआ है। मैं अभी बैठा हूँ और काम चालू ही हो जाएगा। सर, ये जो मोड़ है वहाँ पर 1-1 फीट के गड्ढे हो गए हैं। हाँ, उसको ठीक करा गया। मिट्टी डाली जा रही है? नहीं, मिट्टी नहीं, फिर धूल उड़ा वो जो गाड़ियों के चलने से मिट्टी आई और जो आ रही है उसके कारण आई है। मिट्टी में कभी डामर टिकता नहीं, मिट्टी को साफ करके ही काम करवाया। तो फिर से वहाँ मिट्टी डाली जा रही है? नहीं, मिट्टी नहीं डाली जाएगी, अब तो WM डाला जाएगा। BT के आपके द्वारा आदेश जारी किया गया था कि घाट का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है, और क्या है उसकी वस्तुस्थिति बताएंगे? घाट का, केशकाल घाट का मरम्मत कार्य जो बीच में कहीं कहीं खराब हो चुके हैं, उसका 1 नंबर से 10 नंबर तक के घाट का पूरा 18 तारीख से 30 तारीख तक मरम्मत किया जाना है, और ऊपर केशकाल शहर अंदर का भी मरम्मत किया जाना है। तो आज से काम चालू करने के लिए रूट डाइवर्ट किया गया हमारे द्वारा। सर, प्रथम दिन काम 4 बजे तक कुछ नहीं नज़र आया? नहीं, काम डामर आ गया है, उसका सामान भी आ गया लोड होकर, मशीन में यानी कि सामान ट्रक में लोड होकर आ गई है वो डामर वगैरह जो जिसको बिछाना है वो, लेकिन उसकी जो मशीन आ रही थी वो ख़राब हो गई, कहीं पे टायर फट गया है तो उसके कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जैसे ही टायर चेंज करेंगे उसको ला के फिर चेंज उसको शुरू करवा देंगे। आज काम चालू करवाना ही है कोई भी हालत में। सर, जो मटेरियल आता है उसकी एक समय सीमा रहती है कि इतने घंटे के अंदर काम चालू करना? मटेरियल 3-4 घंटे तक का रहता है उसका। उसका हम सामग्री लगवाएंगे तो उसका मटेरियल के लिए भी जांच के लिए, जैसे पिछले साल हम लोग जाँच के लिए इंजीनियर की ड्यूटी लगाए थे, वैसे भी इस बार भी इंजीनियर की ड्यूटी लगाए हुए हैं, जो अपने अपने यानी कि एरिया जहाँ पे घाट है ना, उस घाट का एरिया दिए रहेंगे, उसका उसके निगरानी में होगा। क्योंकि अभी भी जैसे मटेरियल आ गया है बोला आपने, लेकिन अभी भी कम से कम 3 से 4 घंटे और लगने हैं काम चालू होने में। नहीं, काम तो चालू हो जाएगा, ऐसे 3-4 घंटे नहीं लगेंगे। अब वो यहीं से क्या बोलते हैं, कोहका मेटा से उनका प्लांट है, वहाँ से मशीन आ रही थी तो रास्ते में टायर फट गया, बोले टायर बदलेंगे, आधा घंटे में या 15-20 मिनट में आ जाएगी गाड़ी। सर, हजारों वाहनों की संख्या में वाहनों को रूट डाइवर्ट किया गया है,
और आज अभी तक घाट का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। और अभी वर्तमान में देखा गया तो गैंग कुलियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा मात्र सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? काम जो नीचे में जो गैंग कुली लोग बोल रहे हैं आप, उसमें क्या जहाँ थोड़ा थोड़ा गड्ढा रहता है उसको मिट्टी उट्टी उसको डाल रहे हैं वहाँ पे, और बाकी रूट डाइवर्ट किया गया है तो उसमें बसें और छोटी गाड़ियाँ उसको डाइवर्ट नहीं किया गया है। बसें और छोटी गाड़ियाँ हमेशा की तरह आज भी चलेगी और जब तक काम चलेगा तब तक चलते रहेगी। इसमें सिर्फ मालवाहक बड़ी गाड़ियों को ही डाइवर्ट किया गया है ताकि जैसे सामान मटेरियल डाल रहे हैं तो तत्काल खराब। भारी वाहनों के चालकों ने कहा कि रूट डाइवर्ट के चलते हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और देर शाम के चलते बोराई में जंगली जानवरों की बात कहते हुए सभी गाड़ियों को रोक दिया जाता है। नाम से अपना अभी गाड़ी का मरम्मत चल रहा है, इधर से बोरे योग जाने में बहुत दिक्कत जा रहा है, इधर ना खाने का व्यवस्था है, रोड भी खराब है, जंगल झाड़ी है, तो बहुत दिक्कत जा रहा है, तो अलग खिचल लग रहा है जाने में, परेशानी हो रहा है हमको खूब जाने में। और सर एक तो इधर से जंगल बोरा ही 5 बजे बंद कर देता है रोड, नहीं हमको दिन गाँव में दिन भर भूखे प्यासे रहना पड़ेगा रात को। और सर अभी मरम्मत चल रहा है तो कितना दिन चलेगा सर हमको पता नहीं, इधर से हमको जाना आना है, बहुत दिक्कत जा रहा है। एक नंबर। क्या नाम है? नहीं नाम नहीं भी। इधर से आने जाने के लिए परेशानी है और क्या रोड भी बहुत ख़राब है और डीजल भी लगता है ज़्यादा, और खाना पीना का भी परेशानी है, आने जाने के लिए दिक्कत है घर, और छः बजे के बाद इधर बैरियर बंद कर देता है, उसकी वजह से परेशानी होता है हम लोगों को। आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हम लोग लखोली से लोडिंग करते हैं, रायपुर से लखोली, वहाँ से लोडिंग करके इधर जगदलपुर के लिए जाते हैं। कौन से रास्ते से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे इधर विश्रामपुरी सिहावा होके आ रहे हैं इधर। रोड भी ख़राब है काफ़ी, आने जाने में दिक्कत हो रहा है, समय पूरा ऐसे निकल जाता है आने जाने में, और टाइम से पहुंचेंगे तो लोड होगा नहीं तो फिर लोडिंग के लिए भी परेशानी है, दिक्कत हो रहा है। केशकाल के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि घाट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, घाट जाम के चलते स्थानीय लोग स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वही दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। केशकाल की नेशनल हाईवे 30 की हर साल की समस्या है, हर साल रिपेयर होता है और हर जून जुलाई में सड़क बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और लोग यहाँ के आसपास जो रहने वाले लोग हैं एक तो जाम के कारण बहुत परेशान रहते हैं, स्कूल के बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है, और पड़ोस में जितने सड़क के किनारे घर है वो धूल से परेशान है, ये लगभग हर साल की यही समस्या है। दुकान वाले भी परेशान हैं धूल के कारण, सभी को परेशानी है, कुल मिला के दुर्घटनाएं भी होती हैं, और बस में आने जाने वाले यात्रियों को 24 घंटे बंद हो जाता है तो यात्री परेशान हो जाते हैं, गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, समय पे नहीं पहुंच पाते, किसी को ट्रेन पकड़ना है ट्रेन नहीं पकड़ सकते। तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? विकल्प क्या, इसका विकल्प यही है कि घाट को अच्छे से बनाया जाए, और दूसरा विकल्प बाईपास जल्दी तैयार हो क्योंकि वाहनों की संख्या बढ़ गई है। बाईपास क्यों रुका हुआ है? अब वो तो वही बता सकते हैं विभाग वाले। इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन ने बिना तैयारियों के घाट मरम्मत कार्य के लिए आदेश जारी किया। देखने का विषय है कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर प्रथम दिन कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने पर किस प्रकार की कार्यवाही होती है। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 21 पर, आपके हक की बात।